अभी जी से सब हो जाए। विधायक जी, आपको एक बार फिर पार्टी ने उम्मीद जगाकर आपको प्रत्याशी अपना बनाया है, किन मुद्दों को लेकर आप ये इस बार चुनाव में खड़े? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जनपद वासियों को बधाई देना चाहते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की। साथ ही आपने जो प्रश्न किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है और पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करके पुनः मुझे जो क्षेत्र में भेजा है, निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल को देखते हुए पार्टी ने मुझे 2012 में भी चुनाव लड़ाया था, तब उसके पूर्व पोजीशन आप लोगों के सामने थी, तब 56,000 वोट पाए थे। 17 में 156,942 वोट आए और 17 की जीत के बाद अब 22 में हमारी पार्टी अपने स्तर से सर्वे कराती है और सर्वे के आधार पर उन्होंने पाया कि हमारा विधायक, हमारा जनसेवक रामरतन ललितपुर के लिए अभी ठीक है, तब उन्होंने हमको टिकट दिया। क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं कोई धनाढ्य व्यक्ति तो हूँ नहीं, किसान का बेटा हूँ, जनता की सेवा करके आप सबके बीच में रह के इस पद तक पहुँचा हूँ। विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दे की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है गुंडई, बदमाशी, दबंगई को ख़त्म करके शांति व्यवस्था को कायम करना। ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा काम, मैं अपने लिए समझता हूँ कि इससे बड़ा काम कोई नहीं होता है जनता को, कि जनता सुरक्षित रहे और अपनी रोजी रोटी जो कर रही वो शांतिपूर्ण ढंग से कर सके। इस चीज़ को पार्टी ने अपने 17 से 22 के कार्यकाल में करके दिखाया। विकास के कार्य, विकास के कामों में आप देखिए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ललितपुर की एक केवल सड़क हमारी जो बनने से रह गई उसका भी टेंडर प्रक्रिया में अब आ गया है, पूरा कला से तालबेहट रोड, बाकी हमारी सभी रोड लगभग बन के तैयार हो गई। ब्याने नाले का पुल विकास का देखिए, आपने अभी पूजन करके काम शुरू हुआ है। ओवर ब्रिज जो बरसों से मांग थी नेहरू नगर के लिए, हम लोग खड़े हो जाते थे, देवगढ़ जाने वाले लोग घंटों खड़े रहते थे, वो बनने के कगार पर है। नदियों के पुलों के निर्माण लगातार चल रहे हैं, हमारी सहजाद नदी पर 2 पुलों की घोषणा पूर्व से है, कोविड के कारण उस पर गति नहीं पकड़ा पाए हम, और वो 10 मार्च के बाद सबसे पहला काम हमारा ये है कि सहजाद नदी के पुलों का निर्माण हो जाए। पूरा कला में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना जो बरसों से उस क्षेत्र की मांग है वो लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन कोविड की वजह से वो धरातल पर नहीं आ पाई योजना, इसलिए विद्यालय का निर्माण नहीं करा सके।